हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी एकेडमी स्वागत है। आज सभी के लिए बधाई हो। बहुत बहुत सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है केवल एविनल को छोड़ करके, क्योंकि एविनल का अभी तक आया नहीं है, ठीक है, और उनका भी आज आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और सभी विद्यार्थियों के लिए बधाई हो। तो चलिए यहाँ पर जानकारी जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आपको देखना बहुत ही जरूरी है काउंसलिंग से पहले। यदि आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो और आपका नंबर आ गया है तो ये नोटिस आप जो मैं बताऊँगा ये सारा देख लीजिएगा, अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए ऑफिशियल जानकारी देख लेते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी काउंसलिंग के बारे में पता चल सके। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जोधपुर वितरण विद्युत निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या है ये आप देख लीजिएगा, सहायक डिटेलर के पदस्थापन परामर्श शिविर हेतु दिशा निर्देश। तो क्या क्या दिशा निर्देश है, आपको जाना कहाँ पर है, इस एड्रेस पे जाना है आपको, इस तारीख को काउंसलिंग होगी और प्रथम पारी 9 बजे से द्वितीय पारी 2 बजे से शुरू होगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु वरीयता सूची निम्न क्रम में तैयार की गई है। तो आपकी सूची है जो किस क्रम में तैयार की गई है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन उनकी वरीयता के क्रम में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक्स सर्विसमैन उनकी वरीयता के क्रम में दी गई है। महिला उनकी वरीयता के क्रम के अनुसार, महिलाओं को भी यहाँ पर उनकी वरीयता के अनुसार दिया गया है, अलग अलग महिलाओं को छाटा गया है और महिलाओं को जहाँ पर वो नौकरी मांगेगी उनको वहाँ पर जॉब दे दी जाएगी, ठीक है। शेष अभ्यर्थी उनकी वरीयता के मेरिट के अनुसार उनको दी गई है, जो अन्य विद्यार्थी है उनको उस हिसाब से दी गई है। तो आप किसी को भी डाउट नहीं रहे, इस हिसाब से यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे क्या है, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी उपरोक्त स्थान पर नियत दिनांक को उसके लिए निर्धारित रिपोर्टिंग समय से आधा घंटे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है और मेरे मानो तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आधा घंटा और मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, कि 1 घंटा पहले पहुँचे। आगे आपका तीसरे नंबर का पॉइंट, अभ्यर्थी अपने साथ में पहचान पत्र, नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रवेश पत्र। यानी कि आपको जो प्रवेश पत्र मिलेगा, अभी जो भी प्रवेश पत्र मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है, ये सारा ले लीजिएगा। उसके बाद चौथे नंबर की काउंसलिंग है तो किसी प्रकार का यात्री खर्चा, यानी कि आपको यात्री खर्चा नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी यात्री खर्चा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अभ्यर्थियों के साथ आए व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपके साथ में कोई भी, यदि आपका माता पिता या आपका बड़ा भाई छोटा भाई कोई जाता है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगले यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा नामित किसी व्यक्ति को उसकी काउंसलिंग हेतु इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन हेतु सहमति दिए जाने के उपरांत कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोबारा से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, 1 दिन का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए कि मेरे को जॉब कहाँ लेनी है, कहाँ नहीं लेना है, ये सारा आप जानकारी जान लीजिए। आप एक ऑप्शन मत रखिए आपके पास, 3-3 ऑप्शन रखिए कि मुझे इसी ज़िले में नहीं मिला तो इस ज़िले में मिल जाएगा, इस ज़िले में नहीं मिला तो इस ज़िले में ले लूँगा। तो ये सारे ऑप्शन रखिए क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर यदि आपके कोई अधिकारी से बड़ी से जान पहचान है या पॉलिटिक्स में जान पहचान है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है, शिविर में पदस्थापन कार्यालय सुनिश्चित करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ठीक है। आगे जानकारी है, किसी भी अभ्यर्थियों के काउंसलिंग दिवस में देरी से आने की अवस्था में तत्समय उपलब्ध शेष रही रिक्तियों में से ही चयन की अनुमति दी जाएगी। तो जो आपका यहाँ पर देख सकते हो, किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग दिवस में देरी आने की अवस्था में तत्समय उपलब्ध शेष रही रिक्तियों में से चयन की अनुमति दी जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस का पर अनुपस्थित रहने की दशा में परामर्श शिविर के आखिरी दिवस पर ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यानी कि जिनका नंबर नहीं आया है, तो आप देख रहे होंगे जिनका नंबर नहीं आया उनका भी आ सकता है यहाँ पर। जिन अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु आवेदन नहीं किया है या आयोजित परामर्श में हिस्सा नहीं लिया है उन्हें परामर्श प्रक्रिया पश्चात उपलब्ध रिक्त पद रहे पदों के पदस्थापित किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों की सूचना निगम वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। तो काउंसलिंग हेतु पदों की सूचना वो जारी कर दी जाएगी। आगे यहाँ पर है आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, ये फॉर्म भर लेना। यहाँ पर देखिए, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ पर आपका पासपोर्ट फोटो लगाना है नवीन अभी का और सहायक दित्ते की। यहाँ पर देखिए सीटी भर्ती प्रदेश आपको ये भर के ले जाना है, रोल नंबर लिख लेना है, नाम पिता का पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पद नाम, चयन क्रमांक, कुल मेरिट नंबर आपको लिखना है, यहाँ पर श्रेणी लिखना है, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है आपका, ग्रह, जिला, स्थायी पता, वर्तमान पता, ये सारा लिख लेना है। सहमति में आपका नाम लिख लेना, निम्न निगम द्वारा पदस्थापन हेतु निर्धारित रिक्तियों से में से जिला व्रत कार्यालय आपका जिला वगैरह लिख लेना। मैं रिक्त पद पदस्थापन बाबत अपनी सहमति करता हूँ
ठीक है, लड़का हो तो करता है और करती हूँ, जहाँ पर निगम द्वारा निर्धारित तिथि कार्य ग्रहण कर लिया जाएगा, अन्यथा में निगम को लिखित में कार्य ग्रहण नहीं करने की सूचना उचित माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर आपका लिखना है, उसके बाद ये साइन हो रहे हैं यहाँ पर ऑफिसर का। तो ये सारी जानकारी थी, आपको जल्दी से फॉरवर्ड कर देनी है और इसको भर के आपको रख लेना है अपने पास फॉर्म को। और जो ये मैंने इंस्ट्रक्शन बताया आपके लिए 10, इन्हें याद कर लीजिए और ये आपको सारे फॉलो करने हैं। यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, फिर बाद में मत बोलेगा, है ना, ठीक है। आपको समय से 1 घंटे पहले पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को बधाई हो मेरी तरफ से अगेन, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है भविष्य में तो मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद मित्रों।